अगर हमारे पास डॉग है, क्या उसे डिवॉर्मिंग करना मैंडेटरी है? क्या कोई शेड्यूल है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? डिवॉर्मिंग के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर राहुल, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पेट एंड भेट पर। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग यानी कि कीड़ा नाश करना। ये डीवॉर्मिंग क्या होता है? वर्म को बॉडी से बाहर निकालना डीवॉर्मिंग बोला जाता है। ये वर्म क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कीड़ा? ये कीड़ा क्या होता है? कीड़ा एक ऐसा जीव होता है जो दूसरों के बॉडी के अंदर रहता है और उसका खाना वो बॉडी से कलेक्ट करता है। अगर हमारे पास डॉग है, क्या उसे डिवॉर्मिंग करना मैंडेटरी है? क्या कोई शेड्यूल है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? डिवॉर्मिंग के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर राहुल, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पेट एंड भेट पर। वो वर्म और कीड़ा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और हम जो खाते हैं वो खाना खा के वो जीते हैं। क्या वो कोई प्रॉब्लम हमारा बॉडी के अंदर करते हैं या हमारा डॉग के अंदर करते हैं? ज़रूर, अगर कोई कीड़ा और वर्म डॉग के अंदर है तो जनरली हमें वो पता लग जाता है दिखने में। जैसे कि वो डॉग का वेट लॉस होता है, खाना कम खाता है, ब्लडलेस लगता है, कभी कभी लिथार्जिक हो जाता है। अगर ये वर्म की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी वॉमिटिंग होता है, डायरिया भी होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसलिए हमें डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है और वो डीवॉर्मिंग का एक अच्छा शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपका डॉग हर दिन खुश रहे। डीवॉर्मिंग के लिए हमें एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर पपी है, मिनिमम 3 से 4 वीक से हमें डीवॉर्मिंग शुरू करना चाहिए। 1 महीने से 3 महीने तक हमें एवरी 15 डे डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। और आफ्टर 3 मंथ यानी कि 3 मंथ से 6 मंथ तक हमें एवरी मंथ डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। और 6 मंथ एज से 12 मंथ एज तक हमें एवरी 2 मंथ डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर जिंदगी भर हमें एवरी 3 मंथ डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ये जनरल गाइडलाइन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, डिवॉर्मिंग करते हैं फिर भी कभी कभी वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, कभी आप डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं और डीवॉर्मिंग भी कर सकते हैं। डीवॉर्मिंग करने का फायदा क्या होता है? अगर वर्म है जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा रहता है, अच्छा खाना खाता है और डीवॉर्मिंग करने से वैक्सीन बहुत अच्छा काम करता है। अगर डीवॉर्मिंग ना करें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? जैसे कि लिथार्जिक होना, हेल्थ घटना। डिवॉर्मिंग ना करने से उसका कोट का कलर, स्किन का कलर ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, इचिंग करता है। जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं तभी जनरली 12 आवर से 24 आवर तक वो थोड़ा खाना कम खाते हैं, लिथार्जिक भी हो सकते हैं और डायरिया टाइप सिम्टम भी देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? जनरली डिवॉर्मिंग जो हम करते हैं वो मेडिसिन पैरासाइट जो इंटेस्टाइन के अंदर है उसको पैरालाइज करता है, नहीं तो मार देता है, लेकिन उसको बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसलिए सब डिवॉर्मिंग मेडिसिन के साथ लैक्सेटिव मिला के आता है, यानी कि जो कोक करने में हेल्प करता है।
ये पुक करने में क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि कीड़ा नाश करना। ये डीवर्मिंग क्या होता है? वर्म को बॉडी से बाहर निकालना डीवर्मिंग बोला जाता है। ये वर्म क्या है जिसको हम कह सकते हैं कीड़ा? ये कीड़ा क्या होता है? कीड़ा एक ऐसा जीव होता है जो दूसरों के बॉडी के अंदर रहता है और उसका खाना वो बॉडी से कलेक्ट करता है। अगर हमारे पास डॉग है, क्या उसे डिवर्मिंग करना मैंडेटरी है? क्या कोई शेड्यूल है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं? डिवर्मिंग के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर राहुल। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट पर। वो वर्म और कीड़ा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और हम जो खाते हैं वो खाना खा के वो जीते हैं। क्या वो कोई प्रॉब्लम हमारा बॉडी के अंदर करते हैं या हमारा डॉग के अंदर करते हैं? ज़रूर, अगर कोई कीड़ा और वर्म डॉग के अंदर है तो जनरली हमें वो पता लग जाता है दिखने में। जैसे कि वो डॉग का वेट लॉस होता है, खाना कम खाता है, ब्लडलेस लगता है, कभी कभी लिथार्जिक हो जाता है। अगर ये वर्म की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी वोमिटिंग होता है, डायरिया भी होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसलिए हमें डीवर्मिंग करना ज़रूरी है और वो डीवर्मिंग का एक अच्छा शेड्यूल मैं आपको दे दूँगा जिसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपका डॉग हर दिन खुश रहे। कोई भी कंटेंट में डालो आपके पास कम टाइम में पहुंच जाए।